लाउड स्पीकर के ड्राइवर यूनिट के खराब हो जाने का क्या कारण रहता है और उसे सही तरह से कैसे रिपेयर किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आप देख पाएंगे हमारे पास दो ड्राइवर यूनिट हैं और इन ड्राइवर यूनिट में कमी क्या है, पहले मैं उसे आपको बताता हूँ। यहाँ पर ड्राइवर यूनिट को टेस्ट करने के लिए हम 5 वोल्ट की सप्लाई जो है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव है और हम इसके L1 पर पॉजिटिव और जो L2 है वहाँ पर निगेटिव देंगे। यहाँ पर आप L1 और L2 देख पाएंगे, तो यहाँ पर L1 पर पॉजिटिव और L2 पर निगेटिव जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये ड्राइवर यूनिट जो है कुछ साउंड जनरेट करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें किसी भी तरह का कोई साउंड जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ड्राइवर यूनिट खराब है। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। इसमें भी आप देखेंगे L1 और L2 लिखे हुए हैं, L1 मतलब पॉजिटिव और L2 मतलब निगेटिव। यहाँ पर एक साउंड जनरेट हो रहा है, यानी ये ड्राइवर यूनिट सही तो है लेकिन ये कभी कभी काम नहीं करता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले ये वाला जो ड्राइवर यूनिट है जो कि पूरी तरह से डेड है, इसमें ये 4 स्क्रू लगे हैं, इनको सबसे पहले हमें खोलना होता है, तो इनको हम खोल लेते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको बाहर करेंगे, बड़ी आसानी से बाहर हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है, चिपका हुआ है, तो आप स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पैकिंग लगी हुई है अंदर साइड, जो कि इसके डायफ्राम के कनेक्शन जो है उनको शॉर्ट होने से बचाती है। अच्छा, थोड़ा सा गैप भी रखती है। यहाँ पर आप डायफ्राम इसका देख पाएंगे, ये यहाँ पर एक वायर जो है जला हुआ सा दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे ये वायर बिल्कुल बाहर आ गया है। अच्छा, ये डायफ्राम का जो वायर है, जब ये ब्रेक हो जाएगा ऐसी स्थिति में जो ड्राइवर यूनिट है वो हमारा डेड हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ये वायर भी दिखाता हूँ बाहर करके, आप देखेंगे ये जल गया है, जिसकी वजह से ये ड्राइवर यूनिट जो है ये डेड हो गया है। डेड होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, किस लिए जलता है इसको भी अभी हम आगे जानेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो इस साइड का कनेक्शन है इसको हमें सोल्डिंग आयरन की मदद से हटाना होगा, तब हम इस डायफ्राम को हटा पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम सोल्डिंग आयरन का प्रयोग करके और ये जो कनेक्शन है इसे निकाल लेते हैं, जिसके बाद ये डायफ्राम जो है ये बाहर आ जाएगा। इस साइड का जो वायर है इसे भी हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने जो डायफ्राम है खराब वाला उसको निकाल दिया है। और यहाँ पर आपको श्योर कर लेना है कि कहीं भी सॉल्टिंग वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये जो सोल्डर है ये पॉइंट्स के अलावा निकल के सॉल्ट भी करता है, तो ऐसी कंडीशन ना आए। यहाँ पर ये डायफ्राम खराब हो गया है और हम ये डायफ्राम लगाएंगे। अच्छा, इसका जो रेजिस्टेंस है ओम में, उसको आप श्योर कर ले पहले कि आपके ड्राइवर यूनिट में कितने ओम का डायफ्राम लगा है। इसके बाद L1 और L2 के आपको कनेक्शन करने होते हैं। डायफ्राम में L1 या L2 लिखा हो सकता है या पॉजिटिव निगेटिव लिखा हो सकता है, पॉजिटिव यानी L1 और निगेटिव यानी L2। तो यहाँ पर इनके कनेक्शन हमें करने होते हैं। अगर डायफ्राम में L1 या L2 नहीं लिखा है, ऐसी कंडीशन में आपको L1 और L2 फाइंड करना होता है। इस डायफ्राम में L1 या L2 या पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखा है, तो इसको हमें फाइंड करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। आपको प्रोसेस मैं बताता हूँ। ये डायफ्राम जो है इसके जो दो वायर्स हैं, इन वायर्स के साथ में हम 5 वोल्ट की सप्लाई, अच्छा ये सप्लाई जो है इसको आप 100 मिली एम्पियर करंट से ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो कॉइल बर्न हो सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हम डायफ्राम लगाते हैं तो ये चिपक जा रहा है, अंदर कॉइल जो है वो अंदर खिंच जाती है। इसका मतलब इसका जो L1 या L2 है आप इस स्थिति में भी पता कर सकते हैं। अभी मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, दोबारा से मैं दिखाता हूँ। देखेंगे आप कि ये अंदर को खींच लेता है डायफ्राम को, मैग्नेट जो है वो अंदर को खींच ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि यहाँ पर कनेक्शन जो है उनको पलट देना है। ये जो पॉजिटिव है वास्तव में ये निगेटिव है डायफ्राम का, यानी L2 है, और इस साइड का ये L1 है यानी पॉजिटिव है। अब ये क्या करेगा, अब ये अंदर अगर हम कोशिश करेंगे तब भी ये अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर को आएगा। आप देखेंगे कि ये बाहर को आ रहा है, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये अंदर सेट नहीं हो रहा है, कॉइल जो है वो बाहर को भाग रही है। ऐसी स्थिति में हमें L1 और L2 जो है वो क्लियर हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टेस्टिंग और करके दिखाता हूँ। जैसे आप 5 वोल्ट के चार्जर से अगर इसकी कॉइल में सप्लाई देंगे तो ये डायफ्राम जो है ये बाहर को भागना चाहिए। ऐसी स्थिति में L1 जो है वो पॉजिटिव, यानी जहाँ पर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल लगा है वो L1 हो जाएगा और जहाँ पर निगेटिव टर्मिनल लगा है वो हमारा L2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस साइड L1 है। ऐसे आप डायफ्राम में अगर लिखा नहीं तब भी आप L1 और L2 के वायर जो है उनको फाइंड कर सकते हैं। तो ये L1 हमको मिल गया है और यहाँ पे अब हम L1 को देखेंगे कि इस साइड L1 है, तो यहीं पे हमें L1 जो डायफ्राम का है उसको लगाना है और अब हम इसके कनेक्शन जो है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम सोल्डिंग आयरन का प्रयोग करके इसके कनेक्शन जो है वो करेंगे। उससे पहले हमें
सोल्डर फ्लक्स जो है इसके जो ज्वाइंट पॉइंट हैं इन पे लगा लेना है, जिससे कि अच्छे से सोल्डिंग हो जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने सोल्डिंग फ्लक्स लगा दिया है, और अब हमें ये डायफॉर्म जो है इसको सेट करके भी देखना है। यहाँ पे ये किसी भी साइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस स्थिति में होना चाहिए। ये कट्स जो हैं इनके आधार पर आप इसको सही डायरेक्शन में सेट कर लें। उसके बाद एक्स्ट्रा वायर्स जो हैं इनको कट कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं एक्स्ट्रा वायर्स जो हैं उन्हें कट कर देता हूँ, और अब हम इसकी सोल्डरिंग जो है वो करेंगे। तो हम सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करेंगे, और इसको सही स्थिति में सेट करने के बाद ही आप सोल्डरिंग आयरन से इसके जॉइंट जो हैं उन्हें जोड़ें। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के जो जॉइंट हैं उन्हें सोल्डरिंग आयरन से जोड़ दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अच्छे से जोड़ना है कि ये निकलने नहीं चाहिए। अब इसके बाद जो हमने जॉइंट लगाए हैं ये ऊपर को उभरे हुए नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं तो ये जो पैकिंग लगती है उसको कट करके और बॉडी के साथ शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको कटर की सहायता से बिल्कुल लेबल में कर लेते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई समस्या आगे ना आए। अब हम इसकी जो पैकिंग है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये डायफ्राम जो है अच्छे से चारों तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पर अब हम जब पैकिंग लगा देंगे तो ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, केवल अप डाउन का मूवमेंट ही रहेगा। तो ये पैकिंग जो है आप देख के लगाएंगे, इस तरीके से आपको पैकिंग लगानी है। अगर पैकिंग ख़राब हो जाती तो उसका भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से आप पैकिंग जो है उसे बनाकर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि होल्स को सही अलाइनमेंट कर लेना है आपको, और सही अलाइनमेंट होने के बाद आप इसको जो है स्क्रू करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये मैग्नेट यूनिट जो है इसके ऊपर सेट करेंगे, और आपको बहुत सावधानीपूर्वक इसको लगाना होगा। इस तरीके से आप इसको सेट कर लेंगे, फिर इसके होल्स के अलाइनमेंट को आपको अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारा अलाइनमेंट सही होने की स्थिति में ही आपको स्क्रू जो है उनको कसना होता है। अब स्क्रू कैसे कसना है वो भी आप देख लीजिए। पहले हम इसके चारों स्क्रू जो हैं इनको होल्स में लगा लेते हैं, और फिर किस तरह से इनको टाइट करना है ये आप देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके जो चारों स्क्रू हैं इन्हें होल्स में लगा लिया है, और अब हम स्क्रू ड्राइवर से क्या करेंगे कि सभी स्क्रू जो हैं उनको हल्का हल्का सा टाइट करेंगे। और ये जो स्क्रू हम टाइट कर रहे हैं ये आमने सामने के स्क्रू आपको पहले टाइट करने हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम ये वाला स्क्रू टाइट करेंगे, और इसके सामने का स्क्रू जो है नीचे साइड का स्क्रू उसको हमें टाइट करना है। तो इस तरह से आप आमने सामने के स्क्रू जो हैं इनको धीरे धीरे टाइट करते जाएं, और फिर से अलाइनमेंट देख लेना है कहीं डिसबैलेंस तो नहीं है, हमारा सही डायरेक्शन में है। इसके बाद फिर से आप आमने सामने के स्क्रू जो हैं इनको टाइट करते जाएं धीरे धीरे से, और यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हम स्क्रू जो हैं उनको धीरे धीरे टाइट करते, एकदम से आपको कोई भी स्क्रू टाइट नहीं करना है, धीरे धीरे से आमने सामने सही से अलाइनमेंट करते हुए इसके स्क्रू जो हैं उन्हें टाइट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सभी स्क्रू जो हैं लगभग इसके टाइट कर दिए। इस तरीके से अगर आप टाइट करेंगे तो जो हमारा डायफ्राम है वो सही अपनी बैलेंस स्थिति में रहेगा। तो यहाँ पर हमने स्क्रू जो हैं इसके टाइट कर दिए हैं, अब हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करते हैं। आप देखेंगे कि ये अब साउंड जो है वो जनरेट कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये ड्राइवर यूनिट जो है इसको हमने रिपेयर कर दिया है। अब हम दूसरा ड्राइवर यूनिट जो है इसको भी रिपेयर करेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है उसे देखते हैं। इसके चारों स्क्रू जो हैं उन्हें हमें सबसे पहले खोलना होगा। इस तरह से स्क्रू खोलने के बाद इसे भी हम ओपन करेंगे, और आप अंदर देखेंगे कि इसमें पैकिंग जो है वो नहीं है, इसकी पैकिंग बना के लगाई गई है। और यहाँ पर इसका डायफ्राम जो है ये भी आपको दिख रहा है, और इस साइड पर डायफ्राम के जो कनेक्टिंग वायर है वो जल गया होगा या टूट गया होगा। तो इसको जिसने भी रिपेयर किया है यहाँ पे एक जम्फर जोड़ दिया है जो कि सही से नहीं जोड़ा गया है, और इस तरह से जम्फर जोड़ने से आप देखेंगे कि जो डायफ्राम है वो सही से काम भी नहीं करता है, अच्छे से साउंड जनरेट नहीं होगी, क्योंकि जो इसका डायफ्राम है उसमें स्प्रिंग नुमा संरचना लगी होती है कॉइल के बाहर साइड पर आप देखेंगे, तो वहाँ पर प्रेशर बन सकता है और ऐसी स्थिति में सही साउंड जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे डायफ्राम की कॉइल भी अंदर को दबी हुई है, और ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सही से साउंड नहीं जनरेट होता है। हमारे मैग्नेट यूनिट में ये हो सकता है टकराए, और ऐसी स्थिति में सही साउंड नहीं आएगा। तो इस तरह से ज्वाइंट करके आपको वायर जो है डायफ्राम में नहीं लगाना है, आपको नया डायफ्राम ही इस्तेमाल करना होगा अगर आप अच्छी लाइफ चाहते हैं अपने ड्राइवर यूनिट की।
तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी पैकिंग जो है ये बनाई गई है, और बना के आप पैकिंग लगा सकते हैं। पैकिंग की मोटाई जो है, जो इसमें पहले पैकिंग लगी थी, उसी के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम इसका L1 और L2 फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम जब इसमें कनेक्ट कर रहे हैं वायर, जो हमारे 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो डायफ्राम अंदर को खींच रहा है, इसलिए हम कनेक्शन जो है उन्हें पलट के देखते हैं। आप देखेंगे कि पलटने पे अब डायफ्राम जो है वो बाहर को आ रहा है। तो यानी जिस साइड पॉजिटिव हम टच कर रहे हैं ये L1 था, इस साइड का ये L1 है जहाँ पर हम पकड़े हैं, और इससे हमें अब L1 में कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड L2 है जबकि इस साइड L1 है। यहीं पे हमें जो डायफ्राम का L1 हमने फाइंड किया है उसको कनेक्ट करना है। अच्छा रहेगा कि आप मार्कर से डायफ्राम पे लिख लें, ये जो टेस्टिंग है L1 L2 की, इसके बाद आप मार्कर से लिख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। और इस तरह से हमने डायफ्राम जो है उसे कनेक्ट कर लिया है। अब ये पैकिंग लगाना बेहद ही ज़रूरी है, चूँकि ये जो कनेक्शन हमने किए हैं डायफ्राम के, ये शॉर्ट ना हो हमारे ड्राइवर यूनिट की बॉडी के साथ में, इसलिए हमें ये पैकिंग लगानी ज़रूरी होती है। तो इस तरह से अब हम पैकिंग लगाने के बाद इसे पहले की तरह फिट करेंगे, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। आपको बड़ी सावधानी पूर्वक इसे अंदर करना है, कॉइल फंसनी नहीं चाहिए, नहीं तो कॉइल जो है वो मोड़ सकती है। और इसके बाद होल्स का अलाइनमेंट आपको करना है सही तरह से, जिसके बाद आपको इसके स्क्रू जो हैं उन्हें जैसे मैंने बताया था उस अनुसार कसना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अब हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, और ये भी ड्राइवर यूनिट बिल्कुल सही हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो ड्राइवर यूनिट है ये 100 वॉट का है, और यहाँ पर इसका इम्पीडेंस जो है वो 16 ओम है, और इसकी जो रिपेयरिंग है वो हमने की है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके कनेक्शन से संबंधित जानकारी भी आपके साथ साझा की है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।